ACN24। कलाकार किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। सरायपाले में अग्रवाल परिवार के बच्चों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। दरअसल बच्चों ने एक आकर्षक रंगोली बनाकर समाज को ऐसा संदेश दिया है जिसकी चारों ओर लोग प्रशंसा कर रहे हैं और रंगोली देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कलाकार किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। सरायपाले में अग्रवाल परिवार के बच्चों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। दरअसल बच्चों ने एक आकर्षक रंगोली बनाकर समाज को ऐसा संदेश दिया है जिसकी चारों ओर लोग प्रशंसा कर रहे हैं और रंगोली देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। महासमुंद जिले के सरायपाले में रंगोली के माध्यम से बच्चों ने समाज को चार नए संदेश देने का प्रयास किया है जो लोगों के लिए बरबस ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्रीमती मोनी अग्रवाल के निर्देशन में सुरभि अग्रवाल, अर्पिता अग्रवाल और अंशु अग्रवाल ने एक ही रंगोली में ऐसा चित्रण किया है जिससे समाज को चार नए तरह के संदेश मिल रहे हैं। इन बच्चों ने रंगोली के माध्यम से पहला संदेश दिया है कि जंगलों में लगातार वृक्षों के कटने से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है और पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे बच्चों ने संदेश देते हुए बताया कि वृक्षों को काटने से बचाया जाए, साथ ही पानी को व्यर्थ बहने से भी रोका जाए जिससे कि जल का संरक्षण हो सके। वहीं दूसरे भाग में मिट्टी के दिए का उपयोग करने का संदेश दिया है और बताया है कि इससे कुम्हार जाति के लोगों का रोजगार बना रहे और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। बच्चों ने बताया कि मिट्टी के दिए का उपयोग करने से जहां विदेशी और चाइनीज लाइट के उपयोग से लोग बच सकेंगे, वहीं मिट्टी के दिए की सुंदरता और परंपरा भी लोगों के बीच बची रहेगी। रंगोली के माध्यम से बच्चों ने यह भी संदेश दिया है कि लोग भोजन की बर्बादी ना करें। दरअसल देश का एक बड़ा हिस्से में बड़ी आबादी आज भी भूखे पेट सोने को मजबूर है। ऐसे हालातों में भोजन की बर्बादी ना किया जाए, यह संदेश भी बच्चों के द्वारा दी गई है। वहीं बेटी पढ़ाने, बेटी को बचाने और भ्रूण हत्या को रोकने का भी संदेश दिया गया है। महाराज अग्रसेन जयंती के मौके पर अग्रवाल समाज की ओर से दिए गए थीम के आधार पर समाज को नए संदेश देने का प्रयास इन बच्चों के द्वारा किया गया है, जिसकी सामाजिक जनों के साथ साथ अंचल में काफी प्रशंसा की जा रही है और लोगों के लिए यह रंगोली आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रंगोली बनाने वाले बाल कलाकारों से जब चर्चा की गई, तब उन्होंने कहा कि समाज को बेहतरीन संदेश देने के लिए उनके द्वारा यह प्रयास किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताया है कि उनके द्वारा रंगोली के माध्यम से समाज को जो संदेश देने की कोशिश की गई है उससे जन जागृति आ सकेगी। हमको ये अग्रसेन जयंती के अवसर पर ये रंगोली बनाने के लिए बोली गई थी। कॉम्पिटिशन पे हमने इसके चार टॉपिक लिए थे, उसमें से हमने एक टॉपिक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि भोजन को हमें व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा भोजन को व्यर्थ छोड़ देते हैं, तो इससे जो हमारे देश में इतने सारे लोग हैं वो लोग आधे से ज़्यादा लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है। तो हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। और हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, हमें 4 से 5 घंटे लगे हैं, हमने बहुत मेहनत की है और इसका फल जो है वो आप देख सकते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जितना आपको भूख हो आप उतना थाली में लीजिए, आपको कहीं पे भी फेंकना नहीं है भोजन को, ताकि बाकी लोगों को भी भोजन मिल पाए। आपके रंगोली में एक संदेश ये भी है कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, जी ये कैसे आया आपके मन में? पहली बात तो ये कि तुम पेड़ काटने वाले को डांटो, पेड़ मत काटो। भगवान ने हमें इतनी अच्छी अच्छी प्रकृति से जुड़ी, हमें इतने अच्छे अच्छे दिए हैं, प्रकृति ने अच्छी दी है, तो हमें उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। हम इसको नष्ट नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। पेड़ है तो जल है, जल है तो जीवन है। कई लोग को जल प्राप्त नहीं होता है जिससे कई लोगों की जान भी चले जाती है, और कुछ लोग होते हैं जो नल खुला छोड़ देते हैं या तो पानी मोटर से पानी बहते रहता है। इस चीज़ को हमें रोकना होगा, उसे ध्यान देना होगा ताकि जिसको जल प्राप्त नहीं होता है उसे जल प्राप्त हो, और जिससे दूसरों की मदद करना चाहिए। जैसे कि किसी को जल प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई प्यास है तो उसे हमको पानी देना चाहिए ताकि वो उसका जीवन नष्ट ना हो पाए। और हमें पेड़ भी काटने से रोकना चाहिए। आजकल
सारे जंगल भी नष्ट करते जा रहे हैं, उसमें फैक्ट्री लगाते जा रहे हैं जिससे कि धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, इसीलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और फैक्ट्री की भी आवश्यकता है, पर उसे ऐसा करें जैसे बंजर ज़मीन में हम फैक्ट्री वगैरह बना सकते हैं। पेड़ को कम से कम न काटें क्योंकि उससे हमारा जो पर्यावरण रहता है वो सुरक्षित रहता है और जिस वजह से हमारी जान भी सुरक्षित रहती है। एक संदेश यहाँ पर यह भी दिया गया है कि एक कुम्हार जो है मिट्टी का दिया बना रहा है, ये क्या बताना चाहते हैं? आजकल जो लोगों ने चाइनीज लाइट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है तो इससे कुम्हारों का अस्तित्व में भी फर्क पड़ रहा है, मतलब उनका अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। उनको कोई मतलब जितना ज़्यादा लोगों ने चाइनीज लाइट लगाना स्टार्ट कर दिया, दीपावली के उस समय भी लोगों ने चाइनीज लाइट्स का यूज़ करते हैं, तो इससे हमको रोकना चाहिए कि चाइनीज लाइट्स ना यूज़ करें लोगों ने, और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए जलाएं घरों में, मिट्टी के दिए से सजाएं, वो बहुत ही आकर्षण होता है मिट्टी के दिए, चाइनीज लाइट से ज़्यादा आकर्षण होता है हमारा मिट्टी का दिया जलाना। इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि राष्ट्रहित का गला घोट कर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, और अब की बार ही क्यों, आने वाली दीपावली में भी आप मिट्टी वाले ही दिए जलाएं और कुम्हार के अस्तित्व को बचाएं। हमें अग्रवाल समाज द्वारा ये टॉपिक दिया गया था कि आपको शिक्षा पद विषय के ऊपर रंगोली बनानी है, तो उसी विषय को आधारित मानते हुए हमने रंगोली बनाई। इसमें हमने चार टॉपिक लिया, हमने पृथ्वी बनाई, उसमें हमें बचाइए लिखा गया, उसमें एक खंड में बताया गया कि कुम्हारों के अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, मिट्टी के दिए जलाएं जिससे उनका अस्तित्व बरकरार रहे। दूसरे पार्ट में ये बताया गया कि पेड़ मत काटिए, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जल ही जीवन है, ये चित्रित किया गया। तीसरे पार्ट में भोजन को व्यर्थ बर्बाद न करें, और चौथे पार्ट में बताया गया कि बेटी है तो सब कुछ है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऊपर सब कुछ बताया गया। ये संदेश आपको कहाँ से मिला था? ये संदेश हमको घर में सभी परिवार के सभी सदस्यों ने बैठ करके ये किया कि हमें कैसे बनाना चाहिए, क्या टॉपिक निर्धारित करना चाहिए, ये हम आपस में बात करके फिर तय किए कि हमें ये चार टॉपिक बनाना चाहिए। महासमुंद सिंह, किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।